नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस करेंगे, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है आज, वो इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाए, क्योंकि कल वाले पेपर में, यानी कल काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम है और आज भी काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम है, वो इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाए, क्योंकि यहाँ से लगभग आपका 80% पेपर आने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन 2018 और 20 बैच वाले बच्चों का जो फर्स्ट ईयर का पेपर है वो लग रहा है, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पेपर का एनालिसिस कराओ। दोस्तों, कन्फर्म यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाए और अपना 8 या 10 मिनट का टाइम निकाल के जरूर करें। मानता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से, लेकिन एक बार इसका एनालिसिस करके जरूर जाए। शायद दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शायद दोस्तों, अगर आपको उन पेपरों के पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्कशन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं, जहाँ पर रोज़ काफ़ी बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, फिर आपस में क्वेश्चन शेयर करते हैं, जिससे आपको आगामी एग्जाम में काफी प्रॉफिट मिलता है। तो ज्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन है, अग्नि का संबंध क्या है? दोस्तों, अग्नि का संबंध है, यह आपका इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करके आग को बुझाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर दो है आपका, बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, बीआईएस का पूर्ण रूप है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर तीन आपका दोस्तों, इस औजार का उपयोग है, तो बताओ दोस्तों इस औजार का उपयोग क्या है? तो दोस्तों, इसका उपयोग है लकड़ी के कीले निकालना, यानी राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वो होता है आपका ब्लो हॉर्न स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर इसका आएगा दोस्तों वर्गाकार स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा, सी क्या रॉन्ग आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 5, और क्वेश्चन क्या है, जस्ती शीट पाइप जोड़ में अक्ष के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? तो दोस्तों, वो होता है आपका समांतर फीमेल थ्रेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, मोटाई छेनी का क्या उपयोग है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा आपका, लकड़ी में आयताकार छेद करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो दोस्तों, बताओ क्या नाम है इसका? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी सोल्डरिंग गन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या होती है? तो वो सभी को पता है, 0 से 36 SWG प्रयास होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? दोस्तों, तो दोस्तों, वो होता है फेज चालक के आधा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 13 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये सभी को पता है कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? तो दोस्तों, वो विद्युत राशियाँ होती है आपकी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? दोस्तों, वो करता है आपका ताप गुणांक, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? दोस्तों, उसका उपयोग है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध मापने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, संधारिता की इकाई क्या है? तो दोस्तों, वो होती है आपकी फेरेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका अगला है, BH वक्र में अक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है? दोस्तों, वो होता है आपका कोएसिविटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, AC समांतर परिपथ में
प्रेरक तत्व का पारस्परिक क्या है? तो दोस्तों वो होता आपका ससेप्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्थिर एगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका फेसर परिमाण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो दोस्तों वो होता आपका 2.5 वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो दोस्तों वो बताई जाती है आपकी एम्पियर घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी ट्रिकल आवेश चार्जिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? तो दोस्तों वो होता है 25 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एसीसी का विस्तार रूप क्या है? दोस्तों ये आएगा आपका अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 25 है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? तो बताओ दोस्तों, इनको डायग्राम पूछा गया था, डायग्राम नहीं दिखा रखा है यहाँ पर दोस्तों, वो था आपका एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर, क्योंकि वो आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज वहाँ पर दिया हुआ था यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2-way स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों वह है होते आपके 2 2-way स्विच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम पृथ्वी निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? तो दोस्तों वो होता आपका 1.5 वर्ग mm, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों वह करता है आपका विभवपात विधि के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? दोस्तों वो होता है 3000 वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला दोस्तों, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? दोस्तों वो कहते हैं हम चमकदार तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन अगला है, किस प्रकार का वाटमीटर है? दोस्तों वो होता है आपका 2 आयाम 3 कला वाटमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें आपको डायग्राम नहीं दे रखा है, लेकिन पूछा गया है, इसमें आएगा दोस्तों आपका एब्सोल्यूट उपकरण। क्वेश्चन नंबर अगला है, यंत्रों की संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो दोस्तों वह होती है आपकी ओम प्रति वोल्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, क्वेश्चन अगला है, कौन सा बल एक संकेत उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? दोस्तों वो होता आपका विचलन बल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सर्किट का नाम क्या है? तो दोस्तों सर्किट का नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? दोस्तों वो होता है 3.2 वोल्ट AC। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोस्तों आपका है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? तो दोस्तों वह होता है आपका दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? दोस्तों वो होता आपका बक्लोज रिले, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लगभग 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और क्वेश्चन क्या है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वह होती है आपकी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरेटर, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब बात करें वर्कशॉप क्वेश्चंस के पेपर का, तो उसका हम दूसरे पेपर में एनालाइज करेंगे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।